स्वागत है दोस्तों हमारे एक और वीडियो में। आज हम देखेंगे कैसे आप अपना ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर सेटअप कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि पूरे दुनिया में हर साल 2 मिलियन टी शर्ट्स बेचे जाते हैं और रिसर्च के मुताबिक इंडिया में 2027 तक टी शर्ट बेचने का मार्केट 70,000 करोड़ तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी है और ये सही समय होगा आपके लिए एक बिजनेस शुरू करने का। पर टी शर्ट बिजनेस ही क्यों, वाई स्टार्ट अ टी शर्ट बिजनेस? ज़्यादातर लोग इसे इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि टी शर्ट स्टाइलिश, ईजी वेयर और आसानी से हैंडल किया जा सकता है जब शर्ट से कंपेयर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही टी शर्ट बेचने का बिजनेस भी आसान है और इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होगा। पर बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट के तरीके, टारगेट ऑडियंस और ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपना टी शर्ट बिजनेस ऑनलाइन में खोल सकते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई योर मार्केट। टी शर्ट बिजनेस काफ़ी बड़ा मार्केट है और अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स इन्वॉल्व हैं, डिज़ाइंस और स्टाइल के कपड़े बनते हैं। लोगों की उम्र के अनुसार भी अलग अलग तरीके के टी शर्ट्स होते हैं। मार्केट को पहचानने का मतलब सही टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए उनके डिमांड के बारे में जानना। आपको इसके लिए मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब इस बात को समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपके टारगेट ऑडियंस को कैसे टाइप के टी शर्ट्स पसंद आएंगे और उनके लिए कौन सा फैब्रिक सूटेबल होगा और डिज़ाइंस जो टारगेट ऑडियंस के लिए आकर्षित हो। उदाहरण के लिए अगर आपके टारगेट ऑडियंस IPL के फैंस हैं तो आपके टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए उनके फैब्रिक क्वालिटी, आकर्षित क्रिएटिव डिज़ाइंस और अलग प्लेयर्स के नाम या स्लोगन्स के साथ टी शर्ट बना सकते हैं। और भी कई क्रिएटिव मेथड्स हैं जिससे आप IPL फैंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग। जैसे हम कहते हैं, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ग्राउंड रिसर्च करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च करें रॉ मटेरियल को कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, कौन सा मटेरियल आपके बिजनेस के लिए सूटेबल रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग कॉस्ट कितना होगा और आप कैसे अपने कैपिटल को ब्रेक इवन कर सकते हैं। एक बार ये सारे डिटेल्स आपने जान लिए तो आप अपने प्रोडक्ट को, जो इस मामले में एक टी शर्ट है, उसको आप वैल्यू यानी उसका दाम सेट कर सकते हैं। नंबर 3, बी क्रिएटिव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होगा आपके टी शर्ट बिजनेस का। टी शर्ट सबका फेवरेट और कंफर्टेबल क्लोथिंग वेयर होता है। इसमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं कुछ स्टाइलिश, ट्रेंडी या इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस हो। आजकल के समय में ट्रेंड के अनुसार आपको अपने बिजनेस को अपग्रेड करते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही कई ब्रांड्स पॉपुलर हुए हैं उनके ट्रेंडी, स्टाइलिश और अच्छे क्वालिटी क्लोथिंग की वजह से। तो बिल्कुल ऐसे ही आप भी ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहें और यूनिक स्टाइल्स और डिज़ाइन से लोगों को अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए आकर्षित करें। नंबर 4, चूजिंग अ बिजनेस मॉडल। जब आपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट समझ लिए अपने प्रोडक्ट्स का, तो अगला आपको डिसाइड करना है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। मतलब कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिज़ाइनिंग, टेलरिंग और पैकेजिंग और मार्केटिंग खुद कर सकते हैं या किसी और बिजनेस के साथ पार्टनर कर सकते हैं। काफ़ी लोग यही सजेस्ट करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं और मार्केटिंग भी इसी से हो जाएगा। जितना ये संभव लगता है, ये एक ट्रैप भी है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया साइट में ऐसे हजारों ब्रांड्स मिलेंगे जो अपना ब्रांड इमेज और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कम्पीट करते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर आपने अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा तो ये वायबल नहीं होगा। सोशल मीडिया पर प्रेजेंट बनाने का फेज थोड़ा बाद में आएगा, जब आपको अपने ब्रांड को ग्रो करना होगा। तो आप अपने बिजनेस मॉडल डिसाइड करें, फिर आप खुद ये सारे प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं या किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनर करके अपना काम आसान कर सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग ही नहीं बल्कि अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने के लिए वेब डेवलपर, डिजाइनर और ऐसे ई कॉमर्स स्टोर चलाने के लिए जो अनिवार्य चीजें हैं वो तैयार करने का टेंशन लेना पड़ेगा। और अगर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए करना चाहते हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपने व्यापार को चला सकते हैं और टेक्निकल सपोर्ट के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म संभाल लेता है सब कुछ। नंबर 5, चूज द राइट प्लेटफॉर्म टू सेल ऑनलाइन। आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए सही प्लेटफॉर्म को चुनें जो यूजर फ्रेंडली हो, आपके लिए और आपके कस्टमर्स के लिए भी। आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझेंगे तो ही आप डिसाइड कर पाएंगे अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज। दुकान जैसे ई प्लेटफॉर्म्स की मदद से अब ये बिल्कुल आसान है। दुकान आपके बिजनेस को बिना किसी परेशानी के और देरी के आपके कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करता है। आजकल ऐसे कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, पर अपना स्टोर सेटअप करने के लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है।
हर दुकान में आपको ऑनलाइन स्टोर के ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं और प्लगइन्स उपलब्ध हैं, जिससे आप आसानी से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। सिर्फ 4 स्टेप्स में आप अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं और हमारे सिंपल फीचर्स और प्लगइन्स की मदद से आप अपने बिजनेस को मैनेज और ग्रो और प्रमोट कर सकते हैं। दुकान जैसी यूजर फ्रेंडलीनेस और प्लगइन्स की रिटेंशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप अपने दुकान स्टोर को अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मार्केटिंग कैंपेन्स, प्रमोशनल डिजाइंस जैसी सुविधाएं भी आपके लिए उपलब्ध हैं। लॉजिस्टिक्स देखा जाए तो आपके लिए दुकान में ट्रस्टेड थर्ड पार्टी सर्विसेज उपलब्ध हैं, शिप रॉकेट, डंजो जैसे कई सर्विसेज जो इंडिया में उपलब्ध हैं। अब सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं पर वर्ल्ड वाइड भी आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप भी अपने दुकान स्टोर को 30 सेकंड के अंदर बनाएं और टी शर्ट बिजनेस शुरू करें। और अगर आपको किसी भी असिस्टेंट की जरूरत हो तो आप हमें फेसबुक के VIP ग्रुप के जरिए या कस्टमर सपोर्ट के जरिए रीच कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे सहायता चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए और हम आपके लिए सूटेबल कंटेंट बनाएंगे। थैंक यू।